अगर इसी तरीके से लड़कियां जो हैं वो अपने साथ जो कानून उनकी मदद करता है उस बात का फायदा उठाती रहेंगी, तो न जाने कितने घरों का चिराग यूं ही बुझता रहेगा। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। 26 अगस्त को इस घर पर पहाड़ टूट पड़ा जब इस घर के इकलौते बेटे ने खुद को मौत के घाट उतार दिया। बेटे की उम्र थी सिर्फ 20 वर्ष, जिसके बाद इस घर में सन्नाटा छा गया। हम इस समय नाला सुपारापुर के विजयनगर में उपस्थित हैं, जहां चिराग गुप्ता नाम के इस लड़के ने ऐसा कदम उठाया। हम एक एक कर उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे और देखेंगे पूरा मामला क्या है, और इनसे जानते हैं कि आखिर उस 26 तारीख को हुआ क्या था। आपका नाम? महिमा गुप्ता। आप क्या लगती हैं चिराग की? बहन हूं मैं, बड़ी। क्या हुआ था उस 26 तारीख की रात? 26 तारीख को वो आया, डेली जैसा खाना खाया और मम्मी को बोला कि मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने के लिए, तो वो चाय नहीं पिया था, तो मैं चाय देने गई 10:30-11 बजे, तो देखी कि उसने अपने गले में फंदा लगाया हुआ था। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग हर रोज की तरह इस घर में आया, आने के बाद उसने खाना भी खाया और फिर जब वो ऊपर गया तो उसने ऐसा कदम उठा लिया, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ चिराग की बड़ी बहन उपस्थित है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आपका नाम? रोशनी गुप्ता। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसकी गर्लफ्रेंड थी रोहिणी चंदम, 2-3 साल से अफेयर था, मतलब वो लोग का चलता, थोड़ा झगड़ा वगैरह चलता था, तो उसने आज से 2 महीने पहले उसने रेप केस डाल के फिर उसको हम लोग ने 1 महीना तक थाने की जेल में था, फिर उसको छुड़ाया, फिर उसको हाजिरी देने के लिए मंडे पुलिस स्टेशन आना पड़ता था, फिर वो आता था, चुपचाप रहता था, बात नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, अपना खाना खाता था, अपना सोता था। फिर उसने 26 की रात को उसने कदम उठाया। जैसा कि आपने सुना कि डिप्रेशन में आने की वजह से चिराग ने ये कदम उठाया, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। यहाँ पर चिराग की मामी उपस्थित हैं, वो भी जानती हैं कि ये पूरा मामला क्या है, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इतना ही नहीं, वो रात को उस दिन 12 बजे से लेके 5 बजे तक इतना झगड़ा की, गाली गलौज की, रात को गेट पे से कूदी मारकर अंदर आ गई। हाँ, वो लड़की। तो उस टाइम चिराग और सारे घर वाले कहाँ थे? चिराग गांव गया था उस टाइम पे, और हम सब घर वाले घर पर ही थे। तो वो घर पे आके लड़ाई झगड़ा की? हाँ, घर पे आके लड़ाई झगड़ा की, गाली गलौज की, गेट पे से कूद के आई, जबरदस्ती करने लगी, मारामारी पे उतर आई। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? 2 साल पहले भाई के साथ, मतलब वो भी जाती थी, उसने गाड़ी पे से खुद ही मारी और उसने घर पे झूठ बोली कि ये मतलब मैं चला रही थी, सीख रही थी, मैं गिर गई, और उसने फिनल वगैरह पी और झूठ इस पे लगाई भाई पे, ये ऐसा मतलब इसने फिनल वगैरह, ये सब सारी चीजें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लड़कियों का मामला होता है वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिया जाता है। लड़की अगर कंप्लेन कर दे तो लड़के को ताबड़तोड़ उठा लिया जाता है, लेकिन जब किसी लड़के के साथ गलत होता है तो हमारा कानून सो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर लड़कियों के प्रति तो इतनी सिंपैथी है, बट अगर लड़कों के साथ कुछ गलत होता है तो हमारा कानून उस तरीके से लड़कों की भी मदद क्यों नहीं करता और लड़कों की मदद करने आगे नहीं आता। यहाँ पर पूरा परिवार है, चिराग की माता जो इस समय बोलने के कंडीशन में नहीं है, पिताजी भी हैं बोलने के कंडीशन में नहीं है। कुल मिला के मामला बस यही है कि जो चिराग है उसने कदम बस इसलिए उठाया क्योंकि वो डिप्रेशन में जा चुका था, उसके ऊपर कई बार उसको उसके साथ मारपीट की गई, उसके ऊपर झूठे मामले दर्ज करवाए गए, फिनाइल पीना, गाली गलौज करना, घर तक घुस जाना, ये सारी चीजें चिराग के साथ होती रहीं, और महज 20 साल की उम्र में उस लड़के ने ये कदम उठा लिया। घर वालों का आरोप ऐसा है कि ये सारा चीज लड़की की वजह से हुआ है, ये सारी घटना, लेकिन लड़की कहाँ है इसका कुछ पता नहीं है, पुलिस इस मामले में क्या कर रही है इसका कुछ पता नहीं है। हम उनकी बहन से एक बार बात करेंगे और देखेंगे कि वो पुलिस से क्या मांग करना चाहती है। क्या हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए और लड़की को सजा मिलना चाहिए, जबकि उन लोग का 2-3 साल से रिलेशनशिप था, फिनेल पी के जब कुछ होता था तो हाथ काटती थी, फिनेल पीती थी और चौकी जाती थी, और फिनेल पिया तो हमने पूछा रिपोर्ट कहाँ है, तो रिपोर्ट भी हमको दिखाई नहीं, फिर उसको कुछ हुआ नहीं तो उसने रेप केस का इल्जाम डाला। पुलिस ने जब पंचनामा किया तो पुलिस को भी कुछ लगे हाथ, कुछ मिला नहीं, तो उसके थ्रू हमने हमारे भाई को निकाला, लेकिन निकाला तो हमारा भाई पूरा डिप्रेशन में चला गया था, और जब उसके पूछा तो बोलता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, मुझे खाली एक बार उससे पूछना है, लेकिन वो लड़की बीच में बोला गया कि बीच में मिलके उसको धमकी दी कि तेरे को अभी तू निकला है ना, तेरे को वापस से फंसाऊंगी करके। ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है, जिस तरीके से ये जो भी लड़की है, हालांकि अब हम लड़की की जो तस्वीरें हैं वो भी नहीं दिखा सकते, ये जो भी मामला है हमारी भी पुलिस से बस इतने से दरख्वास्त है, और हम भी पुलिस से यही मांग करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लें और चिराग को जो है वो न्याय दिलाएं, क्योंकि अगर इसी तरीके से लड़कियां जो हैं वो अपने साथ जो कानून उनकी मदद करता है उस बात का फायदा उठाती रहेंगी,
तो न जाने कितने घरों का चिराग यूं ही बुझता रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।